श्री राधे, मैं आचार्य प्रसून कौशल, एस्ट्रोलॉजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी मेरे दर्शकों का एवं सभी श्रोताओं का स्वागत है। मेरे फैमिली के जितने भी मेंबर्स देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए इतना अद्भुत उपाय लेकर के आया हूँ, इतना बढ़िया उपाय लेकर के आया हूँ। बहुत लोगों की इच्छा रहती है, महाराज जी कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे आकर्षण बढ़े, वशीकरण हो जाए, जिसको भी हम देखें, कोई हमें हमारी आंखों की तरफ देख ले तो वो हमारा हो जाए, वो हमसे मोहित हो जाए, हमारे बारे में ही सोचे, ऐसा कुछ बताइए अद्भुत उपाय। तो ऐसा ही आज मैं आपको वशीकरण और आकर्षण का अद्भुत उपाय लेकर के आया हूँ। बहुत अद्भुत उपाय है। इस उपाय को यदि आपने कर लिया, यदि आप किसी सभा में चले गए, किसी पार्टी में चले गए, किसी प्रोग्राम में चले, कहीं भी चले गए और यदि किसी ने आपकी आंखों की तरफ देख लिया, बस कुछ देर के लिए आपका हो ही जाएगा, बिल्कुल आपका हो जाएगा, आपको ही देखता रह जाएगा। बहुत अद्भुत आकर्षण, बहुत अद्भुत वशीकरण है इस उपाय में। आप सभी लोग इस उपाय को अवश्य करिए, बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि आकर्षण होना चाहिए। आकर्षण है भी बहुत आवश्यक, व्यक्तित्व में आपका आकर्षण हो, देखने में आकर्षण हो, बोलने में आकर्षण हो, चलने में आकर्षण हो, कहने में आकर्षण हो, हर बात पे आकर्षण हो, बिल्कुल चिंता मत करिए, वही आपको प्राप्त होगा, वही आपको प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। पर जितने भी मैं उपाय बताऊं, सारे उपाय आप विश्वास से करिए, क्योंकि विश्वास तो फलदायक है, जब विश्वास होता है फल की प्राप्ति अवश्य होती है। इसके अलावा देखिए, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि आप लोगों के जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं, वो केवल आती हैं आपके ग्रहों के कारण। आप जीवन में परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत से उपाय भी कर रहे हैं, करते भी रहना चाहिए, पर उपाय के साथ साथ आप सभी लोग अपनी एक बार कुंडली अवश्य दिखाइए, क्योंकि कुंडली दिखाने से आपको अपनी मर्ज पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम हो कहां रही है, एक्चुअली में कष्ट मेरे जीवन में क्यों आ रहा है। अभी तक आप केवल उपाय कर रहे हैं, आपको पता है कि मुझे समस्या आ रही है, मैं इसका उपाय कर रहा हूं, पर ये समस्या क्यों आ रही है, एक पता चलेगा जब आप अपनी कुंडली दिखाएंगे। तो कुंडली दिखाने से क्या होगा, आपको धन की समस्या आ रही है तो हम आय भाव को देखेंगे, धन भाव को देखेंगे, पुत्र संबंधी समस्या आ रही है पंचम भाव को देखेंगे, सुख संबंधी समस्या आ रही है चतुर्थ भाव को देखेंगे, भाग्य संबंधी समस्या आ रही है तो नवम भाव को देखेंगे, रोग ऋण शत्रु संबंधी समस्या आ रही है छठे भाव को देखेंगे, पत्नी संबंधी समस्या आ रही है सप्तम भाव को देखेंगे, पराक्रम संबंधी समस्या आ रही है तो तृतीय भाव को देखेंगे, कर्म क्षेत्र संबंधी समस्या आ रही है तो दशम भाव को देखेंगे। तो हर समस्या के लिए एक भाव बनाया गया है कुंडली में। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अपनी कुंडली अवश्य दिखाइए। आपने एक बार अपनी कुंडली दिखा ली, समझिए आपने अपनी समस्याओं का सलूशन निकाल लिया, आधी समस्या तो आपकी दिखाने में समाप्त हो जाएगी। कुंडली दिखाने के लिए आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम और अपना नाम मुझे व्हाट्सअप कर दिए। छोटी सी अपॉइंटमेंट रखी राशि रखी गई, बहुत छोटी सी सेवा राशि रखी गई जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, बिल्कुल छोटी सी सेवा राशि है, उस सेवा राशि देकर क्या है आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फिर मेरा कॉल आपके पास आएगा, मैं सारी आपकी समस्याओं का समाधान बताऊंगा, उपाय बताऊंगा, वो उपाय यदि आपने कर लिया तो जीवन आपका सुख ही सुख है आपके जीवन में, बिल्कुल चिंता मत करिए। अब देखिए, मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिए। ये उपाय आपको करना है शनिवार वाले दिन सूर्यास्त के पश्चात, शनिवार वाले दिन सूर्यास्त के पश्चात आपको उपाय करना है। आपको एक कमरा देखना है जो आपके घर में हो, उस कमरे में आप जाइए, पर जब आप ये उपाय करें तो कमरा बिल्कुल बंद कर लें, ऐसे बंद कर लें कि उसमें कोई रोशनी ना दिखे। आपको एक लेना है लोहे का पात्र, एक लेना है काला आसन और एक लेना है सरसों के तेल का दिया। एक लोहे का पात्र, एक काला आसन, एक सरसों के तेल का दिया, कमरे में चले जाइए, कमरा पूरा बंद कर लीजिए और कमरे में केवल उस दिए की रोशनी होनी चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए, काला आसन बिछा करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए, दिया जला लीजिए। दिया जलाने के बाद उस लोहे का पात्र दिए के ऊपर आपको ऐसे रख देना है कि उसका काजल, क्योंकि दिया से ही काजल बनता है, काजल बनना स्टार्ट हो जाए, और जब यह प्रक्रिया स्टार्ट हो दिया जलाने के बाद काजल बनने की, तब आपको इष्ट मंत्र का जाप करना है, ओम सिद्ध कपाल मोहिनी स्वाहा, ओम सिद्ध कपाल मोहिनी स्वाहा, ओम सिद्ध कपाल मोहिनी स्वाहा। जब तक दिया जलता रहे तब तक यदि आप इस मंत्र को जपते रहेंगे तो बहुत उत्तम रहेगा। 108 बार तो आपको जपना ही जपना है, पर जब तक दिया जलता रहे तब तक इस मंत्र को जपिए, बहुत ही उत्तम रहेगा। ओम सिद्ध कपाल मोहिनी स्वाहा, ओम सिद्ध कपाल मोहिनी स्वाहा। उसका जब दिया बुझ जाए तो उस काजल को आप ले लीजिए अपने पास, इकट्ठा करके कहीं रख लीजिए। इसके बाद आपको कहीं भी जाना हो, अब आपको आकर्षण वशीकरण के लिए कहीं भी जाना है, किसी से मिलने जाना है, किसी पार्टी समारोह कहीं भी जाना है, तो जो आपने काजल इकट्ठा करके रखा था उस काजल को अपने आंखों में लगाइए, और जब आप उस काजल को आंखों में लगाएं तब भी इस मंत्र को बोलते हुए ही लगाइए, ओम सिद्ध कपाल मोहिनी स्वाहा, ओम सिद्ध कपाल मोहिनी स्वाहा। इसको लगा करके आप किसी भी जगह जाइए
उसका जिस जगह पहुंचे तो 11 बार इस मंत्र को फिर बोलने का, ओम सिद्ध कपाल मोहिनी स्वाहा, ओम सिद्ध कपाल मोहिनी स्वाहा, आपको मंत्र डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। इतना आप 11 बार और बोल लीजिए जहां कहीं भी जाएं, चुपके से देखिए, जो भी आपकी आंखों की तरफ देखेगा वो आपका होए बिना रह ही नहीं सकता, बिल्कुल आपका ही हो जाएगा, ऐसा अद्भुत वशीकरण है इस उपाय में। निश्चित ही उपाय को अवश्य करिए, काजल को संभाल करके रखिए, जहां भी जहां लगा के जाइए। इसके अलावा आप हमारे यहाँ से गुंजा की माला अवश्य मंगवा लें, गुंजा की माला को हमेशा धारण करके रखें, गाजर तो लगाना है, गुंजा की माला हमेशा धारण करके रखें, फिर तो वो आपका ही हो जाएगा सामने वाला, फिर तो कुछ करना ही नहीं है आप, इसलिए गुंजा की माला आप हमारे यहाँ से अवश्य मंगा लें, जो सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित और अभिमंत्रित होकर ही आपको मिलेगी। कुंडली अपनी अवश्य दिखाइए यदि आप अपनी जीवन की समस्याओं को अंत करना चाहते हैं, और कभी परेशान नहीं होना, कभी अकेला नहीं समझना, मैं बार बार कहता हूँ, मैं आपका पुत्र मित्र दोस्त यार भाई सब, आप जो भी रिश्ता बनाना चाहें मुझसे रिश्ता बना सकते हैं। मेरी शुभकामना आप सभी लोगों के साथ है, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आनंद में रहें, चकाचक रहें, मौज में रहें, खुश रहें, राधे राधे।